मुझे बड़े दुख और बड़ा दुख हो रहा है कि मतलब यहाँ के तमाम लोगों की अनेक समस्याएं हैं जिनकी आज तक किसी चेयरमैन ने कोई सुनवाई नहीं की, और वोट की राजनीति करते हैं, वोट मांगने जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना था भाजपा से बहुत जो कह रहे थे सही है। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये तो देखो सर्वविदित है कि एक आम आदमी की समस्याओं को भली भांति समझ सकता है। महलों में रहने वाले, बड़े बड़े गाड़ियों में चलने वाले एक गरीब आदमी के साथ बैठना पसंद नहीं करते, और आज जो आपके बीच में आ रहे हैं वोट मांगने, सिर्फ एक वोट की राजनीति है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मेरी स्थिति देख ली होगी, मैं साइकिल से वर्करी कर रहा हूँ, और चेयरमैनी के लिए जो उम्मीदवार है मेरे पाली का छोटा भाई और प्रतिनिधि हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ। क्या ये आपकी दृष्टि में मेहनत नहीं है? जी मेहनत है, बिल्कुल मेहनत है, हम इससे सहमत हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस बार एक आम आदमी को और गरीब आदमी को ही नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार चुने, जिससे वो आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का निराकरण कर सके। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि यदि आप लोगों का सहयोग और समर्थन हमें मिला तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं हैं इनका तो समाधान होगा ही। साथ ही साथ जो हमने नगर सरसावा के लिए एक विकास एजेंडा तैयार किया है, इसको पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि निश्चित रूप से सरसावा का जो विकास मॉडल है वो अलग ही हमारे पास है, जो किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पास नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का हमें समर्थन मिले, जिससे कि हम लोग चुनाव में विजयी हो, और हमारी सरकार एक आम आदमी सरकार है और आप आम आदमी हैं, इसलिए हम आपके साथ दिन रात खड़े हैं। क्या आप हमसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। तो एक बार कह दीजिए भाई साहब राकेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे जी? तो राजीव जी एक बार कह दीजिए, अब की बार नगर सरसावा में आम आदमी सरकार। जी मैं ब्रेलाल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार यहाँ पे आम आदमी की सरकार हो और पूरे सरसावा में विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।